इस ड्रामे में मत आओ, जो तुमको भी जेल होगी और तुम्हारे वाइस चांसलर को भी जेल होगी। इडियट, जो नेम इतने पढ़े लिखे हो तुम, तुमको ढेले भर की तमीज नहीं है। तुम क्या कर रहे हो तुमको पता है? इस ड्रामे में मत आओ, जो तुमको भी जेल होगी और तुम्हारे वाइस चांसलर को भी जेल होगी। हाइट ऑफ एब्सर्डिटी, एक तरफ वहां पे संबद्धता को लेकर के और नामांकन को लेकर के सीरियस क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, कॉलेजेस नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन संबद्धता तक नहीं है। फर्जी संबद्धता अलग चीज हो गई। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका परीक्षा ले रहे हो आप, इस बात का आपको इल्म है? जिसकी बात परीक्षा ले रहे हो उन्होंने कोर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बस जो लिस्ट मिल गई आपको सबकी परीक्षा ले लेंगे आप? ये भर्राशाही तो मेरे ख्याल से आज तक मैंने नहीं सुनी। 8000 बच्चों ने लिख के दे दिया हमें परीक्षा लीजिए, तो आप देखोगे ही नहीं कि 12वीं पास है कि नहीं है, 10वीं पास है कि नहीं है। बार बार हाथ खा रहे हो तुम, इडियट। सचिन पुछिया, इनकी रिपोर्ट तो बहुत खराब है दोस्तों, मैंने मंगाई है, बहुत खराब रिपोर्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर वी हैव चैलेंज्ड हियर? प्लीज रीड इट। वर्तमान में बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर एग्जामिनेशन सितंबर 2022 आयोजित किया रही है। इस परीक्षा में कुछ नर्सिंग महाविद्यालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे महाविद्यालय और उनके विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर स्पेशल एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 में तिथियां घोषित निर्धारित की जाती हैं। परीक्षा नियंत्रक मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान जबलपुर और उपकुल सचिव, इन तीनों ने इसको किया। इसमें आप प्रॉब्लम क्या थी? आपको प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे कॉलेज जिनको संबद्धता नहीं मिली, ऐसे स्टूडेंट जिनका नामांकन ही नहीं हुआ उनको भी कह दिया इन्हें परीक्षा में बैठा दो। सर इस विषय को बताना चाहूंगा आपको, ये वाली परीक्षा सबसे पहली और मई 2022 में समय के 5500 के बच्चों ने परीक्षा फॉर्म भर लिया। उसके बाद सितंबर में अगली परीक्षा हमने डिक्लेयर करी जिसके लिए 8500 फॉर्म भर लिए थे। आखिरी समय तक कुछ कॉलेज की मान्यता नहीं मिली थी, वो कॉलेज फोन से, मेल से, पत्राचार से हम लोगों को क्या होगा तो हम लोग परीक्षा कैसे? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? चपरासी लाइक नहीं हो, इतने पढ़े लिखे हो तुम, तुमको ढेले भर की तमीज नहीं है। तुम क्या कर रहे हो तुमको पता है? तुम पढ़ाओ, इस ड्रामे में मत आओ, जो तुमको भी जेल होगी और तुम्हारे वाइस चांसलर को भी जेल होगी। हाइट ऑफ एब्सर्डिटी, एक तरफ वहां पे संबद्धता को लेकर के और नामांकन को लेकर के सीरियस क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, कॉलेजेस नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन संबद्धता तक नहीं है। फर्जी संबद्धता अलग चीज हो गई। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका परीक्षा ले रहे हो आप, इस बात का आपको इल्म है? जिसकी बात परीक्षा ले रहे हो उन्होंने कोर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बस जो लिस्ट मिल गई आपको सबकी परीक्षा ले लेंगे आप? ये भर्राशाही तो मेरे ख्याल से आज तक मैंने नहीं सुनी। 8000 बच्चों ने लिख के दे दिया हमें परीक्षा लीजिए, तो आप देखोगे नहीं कि 12वीं पास है कि नहीं है, 10वीं पास है कि नहीं है। बार बार हाथ खा रहे हो तुम, इडियट। आई होल्ड फॉर कंटेम्प्ट एवरीवन दिस नॉनसेंस। किसने अधिकार दिया आपको इस प्रकार की परीक्षा डिक्लेयर करने के लिए? किस लॉ में लिखा है दिखाइए मेरे को आप, कि बिना समझता हुए कॉलेज के बच्चों से परीक्षा ले लेंगे आप? यूनिवर्सिटी है कि जोकर है? किस लॉ में लिखा है ऐसे कॉलेज जो संबद्धता ना हो, ऐसे बच्चे जिनका नामांकन ना हुआ हो उनकी आप परीक्षा ले लेंगे? कहाँ लिखा दिखाइए मुझे आप, कहाँ लिखा दिखाओ, पहले लॉ दिखाओ। जब नहीं मालूम है तुम्हें, ये तुमने जारी कैसे किया P1? इसको मिस्टर हु रिप्रेजेंटिंग हिम, यू रिमूव हिम, otherwise this man will go to jail, I'm telling you. It's a very big scam, now it's a further scam. अभी तो बात चल रही थी साहब, हमने दे दी उनको कमीशन, देखा नहीं है, सब नहीं किया, या तो है ही नहीं।
ये भी ऐसी 500 के डॉक्टर बना होगा, द फ्रॉड। वेयर इज योर वाइस चांसलर? यू शुड ऑल्सो कम एंड एक्सप्लेन, लेट देम फाइल एन एफिडेविट, हाउ ही हैज ऑर्डर्ड सच काइंड ऑफ नोटिफिकेशन। तमाशा मचा के रखा है आप लोगों ने पूरे प्रदेश में, ना बच्चों को पता है, ना कोई उनका आइडेंटिफिकेशन है, ना कॉलेज का पता है, नर्सिंग काउंसिल ने उनको संबद्ध भी नहीं किया, एफिडेट नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनका नाम कॉलेज में नहीं है। आप 8,000 बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं? नहीं सर, हाँ सर, जी सर, अदर कर रखी आप लोगों ने, फाइल एन एफिडेविट अंडर विच लॉ, विच प्रोविजन ऑफ लॉ इज नॉट वर्थ इश्यूड? आई जस्ट वॉन्ट सिंपल एफिडेविट, अगर आई विल नॉट इज बिकॉज मेडिकल यूनिवर्सिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इंश्योर दैट मेडिकल एजुकेशन इज कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग विद लॉ, नॉट टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ शॉर्टी डील्स, unmindful of the consequences, and they are doctors. I would not hesitate calling them butchers. If they permit persons who have not done the training course, if they permit persons who have never seen the college itself is not recognized. If such persons are allowed to appear in the so-called examination, who appears we do not know. What kind of nursing they will do in hospitals? What will happen to the patients? Person who does not know about nursing would be doing the nursing in hospitals. I talk nonsense. Filing affidavit by the vice chancellor. I have already stated this in this notification. Have you also cancelled it? And never dream of doing such kind of act of issue notifications. Otherwise, both of you will be sent to jail. First, the final affidavit of the Vice Chancellor. Let Vice Chancellor of the Medical University, Jabalpur, file a specific affidavit, the authority in law, entitling him to issue the impugned notification, 19-922, whereunder such persons are being allowed to appear in the nursing examination who are neither having a registration number, enrollment number, now the institute is affiliated to the MP Nursing Council. Let this case for further orders in the week commencing 16th of January. He will remain present on that date. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए। थैंक यू।